दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, डी ट्रिपल एस के द्वारा चार और नए ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें से दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुए हैं और उसके अलावा दो रिजेक्शन नोटिस हैं वो जारी किए हैं डी ट्रिपल एस ने। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुए हैं और क्या उसकी फाइनल कट ऑफ रही है, जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए हैं डी ट्रिपल एस के द्वारा, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके रोल नंबर क्या है और कौन कौन से रिजेक्शन नोटिस हैं, किस पोस्ट के लिए वो रिजेक्शन नोटिस जो जारी किए हैं डीटीएसपी ने, उसके बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीटीएसपी से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपको यहां पर मिलती रहेंगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो सारे ऑफिशियल नोटिस है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे डेट भी मेंशन की गई है 16/8/2021, यानी आज के दिन ही जारी हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 805। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, पोस्ट कोड है 16/19। इसमें अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 141 वैकेंसीज टोटल अलग अलग कैटेगरी हिसाब से बांटे गई है यहाँ पे। अब देखिए इसका जो रिजल्ट जारी हो चुका था पहले, जो नोटिस नंबर यहाँ पे बताया गया है कौन सा 706, ठीक है, उसमें जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका था, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। उसमें मॉडिफिकेशन करके और एक या कह सकते सप्लीमेंट रिजल्ट जारी हुआ है यहाँ पे, जो कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के 55 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, उनके रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, सप्लीमेंट रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे अनरिजर्व जो कैटेगरी के पीएचओएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे दो कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और इसके अलावा जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है उसके 8 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है, और ओबीसी कैटेगरी के 33 कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा एससी कैटेगरी के 10 कैंडिडेट्स हैं और एससी पीएचओएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं एक सिर्फ, ठीक है, और इसके अलावा एसटी कैटेगरी के जो रोल नंबर्स हैं यानी कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, 6 कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पे उनके रोल नंबर भी मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो फाइनल कट ऑफ रही है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है फाइनल वो रही है 101 यानी 101.91, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 86.50, ओबीसी की बात करें 88.25, एससी की बात करें 96 रही है, एसटी की बात करें 71.82, पीएचओएस की बात करें तो 75.6 रही है 63, और पीएच वीएच की बात करें तो 67.07, ये फाइनल कट ऑफ रही है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा इसी पोस्ट रिलेटेड दो रिजेक्शन नोटिस भी जारी हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये आज के ही रिजेक्शन नोटिस हैं, और रिजेक्शन नोटिस नंबर है 807 असिस्टेंट टीचर नर्सरी पोस्ट कोड 16/19, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको रिजेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है ये रिमार्क्स में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ईडोजर में कुछ फेलियर हो गया या उसके कारण जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 22, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 4 हैं जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, और उसके अलावा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 4 नहीं है इवन 10 हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं रोल नंबर, और ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे जो रोल नंबर हैं वो भी मेंशन किए गए हैं जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं। रिमार्क्स में जो रीजन है वो बताया गया है, और एससी कैटेगरी के भी यहाँ पे रोल नंबर हैं वो मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिन कैंडिडेट्स को यानी रिजेक्ट कर दिया है परमानेंटली, यानी उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ये भी एक रिजेक्शन नोटिस ही है, और पोस्ट वही असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, पोस्ट कोड 16/19, ये भी आज के दिन ही जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए हैं पीएच वीएच कैटेगरी के यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, और रीजन और रिमार्क्स में कारण है वो बता दिया गया क्यों इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे पीएचओएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक और यहाँ पे कैटेगरी दी गई है अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट जिनके जो ई डोजर हैं या आप कह सकते हैं जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया गया है परमानेंटली, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर सभी के मेंशन कर दिए गए हैं, और बहुत ही बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, यहाँ पे रिजेक्शन नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सभी रिजेक्शन नोटिस या जितने भी सप्लीमेंट रिजल्ट वाले नोटिस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, रिमार्क्स में सभी के कारण भी बताए गए हैं। यहाँ पे एससी कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, और रिमार्क्स रीजन जो है वो बता दिया गया है कि क्या कारण रहे जिसके कारण इनका कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सप्लीमेंट रिजल्ट, और इसके अलावा दो यहाँ पे
रिजेक्शन नोटिस है वो जारी किए गए थे। अब एक सप्लीमेंट रिजल्ट और दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो आज के दिन ही जारी हुआ है, 16/8/2021 का सप्लीमेंट रिजल्ट नोटिस नंबर है 12/11 और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 8/19। ठीक है, इन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर ये वैकेंसी जारी की गई थी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 27 थी। अब इसके अंदर जो कैंडिडेट जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है वो यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट है, ओबीसी का एक है और एसटी कैटेगरी का एक कैंडिडेट है जिसको सिलेक्ट कर दिया गया है। फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, जो फाइनल कट ऑफ रही है यहां पे देख सकते हैं हम, अनरिजर्व कैटेगरी के 179.7, ओबीसी के 174.57, एससी की है 163.5, एसटी की है 139.67 सॉरी, और उसके अलावा पीएचवीएच की 159.35 और पीएचओएच की 166.18, ये फाइनल कट ऑफ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये चार ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी किए थे डिटर प्लस बी ने, और आगे की जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेशन के लिए साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।